तो गाइस क्या होगा अगर आप एक एसएमपी ज्वाइन करो और आपको पता चले कि उसमें एक हैकर है। अब हैकर जो कि कुछ भी कर सकता है, पानी पे चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, या जो हमें इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल करके दिखा सकता है। तो ऐसे ही मेरा मुकाबला होता है एक हैकर के साथ जब मैं ज्वाइन करता हूँ माइनक्राफ्ट की एक रिचेस्ट एसएमपी जिसके अंदर सबके पास एक नेदरराइट आर्मर था और मेरा सामना होता है उस हैकर से। और उसके बाद क्या होता है वो आपको देखना होगा इस वाली वीडियो में। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्लोज है 100K के। अब गाइस मैं जैसे ही सर्वर ज्वाइन करता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि एसएमपी वैसे तो बढ़िया थी दिखने में बट पता नहीं जाले जाले क्यों लगे हुए थे और मैं थोड़ा एक्सप्लोर ही कर रहा था। मेरे को यहाँ काफी सारी काउस दिखती है और यहाँ पे डीजे फ्लोर वगैरह भी बना हुआ था लेकिन मेरे को कोई दिख नहीं रहा था। तो मैं ऐसे ही घूम रहा होता हूँ देख रहा होता हूँ इधर उधर तभी मेरे को दो बंदे दिखते हैं और मैं उनके पास जाता हूँ। हेलो 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 गाइस हेलो 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 गाइस हेलो व्हाट्स अप गाइस हेलो। आवाज कहाँ से आई है? आवाज कौन सी आवाज ब्रो? फटने की। क्या वेट अ सेकंड, क्या फटा है? कुछ भी नहीं फटा ब्रो, कुछ आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन तुमने फोड़ा मत। किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे को तो पता भी नहीं है, मेरे को तो कोई आवाज भी नहीं आई। सामने देखो वहाँ पे घर होता था। वहाँ पे दिखाते हैं। कहाँ सामने बता रहे हो भाई? एक सेकंड, क्या यहाँ पे ये घर था? ये देखो इतना कितना सामान भी टूटा हुआ। वो तो ठीक है मैंने उठा लिया बट मैंने नहीं किया भाई, मुझे तो आवाज तक नहीं आई। भाई मार क्यों रहे हो यार? मैंने नहीं किया कुछ भी, मेरे को नहीं पता इसके आपके बारे में। अभी तुम आए हो कभी हुआ है? कितने टाइम से तो हुआ नहीं था। सच सच बता दो तुमने फोड़ा क्या? अगर नहीं, नहीं बताओगे सच तो हम तुम्हें मार देंगे अभी। एक और घर यहाँ पे फूटा हुआ है, हमने दो घर फूटने के बाद आई थी। भाई मुझे कैसे पता होगा यार किसने फोड़ा है? मैं तो यहाँ पे अभी जस्ट एंटर हुआ एसएमपी के अंदर। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो गाइस, मैंने कुछ नहीं किया। भाई मुझे लग रहा है यही है, इसे पकड़ लो। हां भाई यही है, जल्दी से मार पीछे आओ वरना यहीं पे मार देंगे। अरे यार भाई समझ नहीं रहे हो, ठीक है मैं आ रहा हूं। ओके वेट व्हाट क्या है ये? वेट अ सेकंड, ये जेल लग रही है भाई। तुम मेरे को पहले दिन ही एसएमपी के अंदर ट्रैप कर रहे हो। वेट चलो मेरे कुछ मिलेगा। ए छोड़ो क्या? ठीक है वेट कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिया। मैंने देखा उसमें रेस्टोरेंट। ठीक है मैं दे रहा हूं। ओके दे रहा हूं। जाओ भी बे यार भाई, मैं मेरी बात का यकीन करो गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं एसएमपी के अंदर अभी आया। भाई यार ये मेरी बात ही नहीं समझ रहे। चलो आ जाओ बाहर चलते हैं। अब सर्वर में पहले ही दिन मेरे को एक जेल में ट्रैप कर दिया गया था। अब पता नहीं वो घर मेरे आने के बाद डिस्ट्रॉय हुए या पहले थे डिस्ट्रॉयड थे या ये सब उनका प्लान था, ये सब तो मेरे को नहीं पता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे इन सबके डाउट क्लियर हो जाते हैं। यहाँ मैं निकलने की कोशिश कर रहा था और वहाँ रो कैसे निकलूंगा? उठ जा। वेट अ सेकंड, एक और टीएनटी फूटने की आवाज आई है। चीट 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 चीट। भाई देख लो। हेलो ये तो अभी तक एम पे तो धमाका किसने किया? गाइस मैंने तुमको बताया था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई, मेरे को तो पता भी नहीं इस एसएमपी के अंदर क्या चल रहा है। मैं तो आज ही एंड वेट अ सेकंड, मुझे लग रहा है ये सही कह रहा है। तो वो किसने फोड़ा? पता नहीं यार, ये तो यहीं पे है जेल में। रुको इसे तो इधर आ बात करनी है। भाई देख लो भाई सही बोल रहा है, छोड़ देना चाहिए। ब्रो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया कुछ भी। ठीक है चलो, ठीक है समझ गया भाई, थैंक्स फॉर गोल्डन एप्पल। अब मैं उस जेल से तो निकल चुका था लेकिन मैं देखना चाहता था कि अब कौन सा घर टूटा है। और मैं वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई कौन सा घर टूटा है। लेकिन वहाँ पे मेरे को एक सीक्रेट बेस मिलता है। वेट अ सेकंड, यहाँ पे तो होल बना हुआ है। वेट नीचे पानी है। वेट अ सेकंड व्हाट ब्रो, ये तो एक सीक्रेट बेस है। लेट्स गो एक सेकंड भाई, नेदरराइट आर्मर। लेट्स गो भाई, बिना ग्राइंड किए नेदरराइट आर्मर मिल गया। ओ भाई एक सेकंड, यहाँ पे कुछ सामान भी रखा हुआ है। टोटम ऑफ अंडाइंग भाई इतने सारे। और वेट अ सेकंड एक सेकंड, ये शेल्टर बॉक्स में कुछ अलग सा है। वेट व्हाट भाई, ये कैसी स्वॉर्ड है भाई? यहाँ पे सारा सामान स्टोर कर लिया मैंने एक शेल्टर में। लेट्स गो भाई, ये तो काफी ओपी सामान। लेट्स गो भाई, काफी ज्यादा अच्छा सामान लग रहा है मेरे को। अब चलते हैं वापस से ऊपर, निकलते हैं यहाँ से इससे पहले कोई और मेरे को देख ले। अब मेरे को काफी सारा सामान बहुत इजीली मिल चुका था और मैं वहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ। और एसएमपी में घूमते मेरे को वापस से वही प्लेयर दिखता है जिसने मेरे को ट्रैप किया था। वेट अ सेकंड, ये क्या बन रहा है भाई? हेलो हाय साहब, क्या बना रहे हो तुम? एक सेकंड, वेट अ सेकंड। ओ स्नीफर भी है तुम्हारे पास? इतनी जल्दी नेदरराइट आर्मर कैसे बना लिया तुम? वो भी हमारे जैसा सेम। भाई ये तो सीक्रेट ट्रिक है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बट भाई कुछ पता चला उसके बारे में जिसने ये सब बेस तोड़ा, ये सब तबाही मचाई? भाई हम बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें। हम जितना भी ढूंढ लें
ओके देखो बात ऐसी है कि जिसने भी वो बेस तोड़ा है उसकी वजह से मेरा नाम खराब हुआ है SSMP के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ उस बंदे को ढूंढने में। ओके ठीक है, तो कर सकते हो हमारी हेल्प। तो मेरे को एक चीज बताओ सबसे पहले कि इस सर्वर का कंसोल किसके पास है। कंसोल तो मेरे पास ही है। तो ठीक है फिर तो और अच्छी बात है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो एक डील करते हैं, अगर तुम मेरे को एक दिन के लिए क्रिएटिव दे सकते हो तो मैं उसको जल्दी ढूंढ पाऊंगा। क्रिएटिव? हाँ वेट वेट ब्रो सुनो मेरी बात, मेरी पूरी बात सुनो। इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुमको वो कल्प्रिट मिल जाएगा। मेरा फायदा है लेकिन अगर तुम देखो तुम... तुम्हारी SMP फूटने से बच जाएगी, जितने भी बिल्ड्स बचे हो तुम उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, और साथ ही जो मेरा नाम खराब हुआ है भाई मेरे को भी उसको ठीक करना है। नहीं लेकिन अगर हमने तुम्हें क्रिएटिव दिया और जो इतनी बिल्डिंग अभी बची है मतलब जितने घर बचे हैं वो भी फूट गए तो फिर जिसने ये बिल्ड्स फोड़े हैं वो बाकी बचे हुए बिल्ड्स भी फोड़ सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे को अगर तुम क्रिएटिव दोगे तो मैं उसको जल्दी पकड़ पाऊंगा। मुझे सोचने दो देना है। ठीक है तो तुम सोच लो, इतने मैं चलता हूँ यहाँ से, फिर मेरे को सोच के बता देना तुम। अब मैंने इस प्लेयर को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था कि ये मेरे को क्रिएटिव देने के लिए मजबूर हो जाए, और कुछ ऐसा ही होता है। थोड़ी ही देर बाद मेरे पास उस बंदे का मैसेज आता है अपने पास बुलाने के लिए, तो मैं जल्दी से वहाँ जाता हूँ। हेलो आ गया तुम। हेलो भाई, मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मुझे तुम्हें क्रिएटिव देना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि तुम उस बंदे को ढूंढ लोगे जिसने ये घर वगैरह तोड़े, और तुम्हें क्रिएटिव बस एक दिन के लिए मिलेगा, और उस एक दिन में तुम्हें उस बंदे को ढूंढ के लाना पड़ेगा, वरना तुम्हें इस सर्वर से धक्के मार के निकाल दिया जाए। ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो मेरे को क्रिएटिव दे दो एंड मैं उस बंदे को ढूंढ के ले आऊंगा एक दिन के अंदर अंदर। तुम रेडी हो क्रिएटिव लेने के लिए? यस आई एम रेडी। ओके ये लो। Let's go भाई, finally मेरे को creative अब जाके उस चोर को पकड़ के लाओ। और हाँ बाकी सर्वर के मेंबर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्रिएटिव दिया। ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्रिएटिव आ चुका था जिससे मैं इस सर्वर में किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता था, बट मेरा मेन मोटिव सबसे पहले उस प्लेयर को पकड़ना था जो ये सब हरकतें कर रहा था, और जिसकी वजह से ये सारे बेस फूट रहे थे और सबका शक मेरे ऊपर जा रहा था। एंड ऐसे ही मैं सर्च में घूम रहा होता हूँ तभी मेरे को एक मैसिव बिल्ड दिखता है जो कि SMP से काफी ज्यादा दूर बना हुआ था। वेट अ सेकंड ब्रो, इतना बड़ा, ओ वेट व्हाट, एक सेकंड भाई ये तीतेज कैसे चल पा रहा है? हेलो कौन हो तुम? वेट अ सेकंड, तुम कौन हो? तुम इतनी तेज कैसे चल पा रहे हो? ये क्या, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ? क्या कर सकते हो भाई, इतनी तेज चल रहा है ये बंदा। वेट अ सेकंड, ओ शिट व्हाट, आई गेस तुम्हारे पास क्रिएटिव है। आई एम अ हैकर। व्हाट, अरे नहीं भाई बैन मत, नहीं शिट। अब क्योंकि एक हैशटेल SMP थी तो उस हैकर ने मेरे को एक ही बार में बैन कर दिया था, बट फिर अचानक से पता नहीं क्यों उसने मेरे को वापस से रिवाइव कर दिया। ओके लेट्स गो, मैं रिवाइव हो चुका हूँ। वेट मेरा सारा सामान। ओके हेलो, तो एक बात बताओ, तो आई गेस तुमने ही वो सब बिल्ड तोड़े जो कि सर्वर पे फूटे हुए जिसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे वो लोग। मैंने ही फोड़ा था, और तुमने किसी को भी बताया तो मैं हमेशा के लिए बैन कर दूंगा। नहीं ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तो अपने आपको शक्तिशाली समझने लगे थे, उनको दिखाना था उनसे पावरफुल है इस सर्वर। ओके तो तुम मतलब पावरफुल बनना चाहते हो इस सर्वर के अंदर। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं और तुम मिलकर इस सर्वर को डोमिनेट करें। ब्रो तुम सीधा बता सकते हो तुमने मेरे टोटम पेस्ट करा दिया। धोखा दूंगा या फिर नहीं? कौन सा टेस्ट? मैं कौन सा टेस्ट पास कर सकता हूँ भला? वेट सेकंड, ओके हम यहाँ पे क्यों आए? ये बिल्डिंग दिख रही है सामने? हाँ दिख तो रही है बिल्डिंग, बट इस बिल्डिंग का क्या करना है? ठीक है वेट अ सेकंड, आगे का तुम समझ गए हो कि क्या करना है? तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे को इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना है? हाँ फोड़ना है। बट लेकिन ब्रो इसका कुछ फायदा नहीं है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो तुम? इसका कुछ फायदा नहीं है। सी मुझे पता चली है तुम मेरे लिए सही हो क्या नहीं। तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए बिल्डिंग को तोड़ दूंगा। वेट भाई पूरी बात तो सुन के जाता, तो चलो भाई जल्दी से इस बिल्डिंग को तबाह करते इससे पहले कि कोई और देखे। भाई शिट यार क्या क्या करना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी निकल, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ नो शिट। अब उस हैकर के कहने पर उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए मैं उस बिल्डिंग को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और जाता हूँ उसके पास उसको ये सब बताने कि मैंने उसका काम कर दिया है। हेलो तो कहाँ पे हो तुम? आओ तुम कहाँ पे हो? ओके मेरे को दिखे ऊपर।
तो जैसे तुमने बताया मैंने वो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? छोड़ दिया, मैं एक बार देख के आता हूँ घर टूटा नहीं टूटा। तो ठीक है चलो फिर मैं खुद दिखा देता हूँ तुमको कि वो टूटा कि नहीं टूटा। तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, वेट अटैक भाई आगे निकल गया ये बंदा तो पहले ही। ओके आई गेस ये देख के भी आ चुका है वापस से। चलो सही है, सही काम करा, ये लो इसे ले, तुम्हें इनाम देता हूँ। ठीक है ये लो। वेट अटैक गोल्डन एंचेंटेड एप्पल, लेट्स गो, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, बट अब बताओ आगे क्या करना है। ये मेरी चाल थी, मतलब ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। व्हाट? अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा भाई। बट आई थिंक तुम अपने जाल में खुद ही फंस चुके हो, क्योंकि ये सब मेरा भी एक प्लान था। जो भी तुम ये सब कर रहे हो मेरे को बस इसका एक प्रूफ चाहिए था। अच्छा तो मैंने भी अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग की है और ये सब मैंने सिर्फ प्रूफ के लिए किया है। और अब बारी है इस सर्वर में तुमको एक्सपोज करने की, तैयार हो जाओ अपने आप को एक्सपोज कराने के लिए। तुम्हें मारने का बहुत शौक है, मार के देख लो। व्हाट क्या हुआ? नहीं मार पा रहे क्या? क्या हो गया? क्या हो गया ब्रो, मार नहीं पा रहे क्या? आई गेस तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो चलो फिर तैयार हो, लेट्स गो। क्या ब्रो मार नहीं पा रहे क्या? क्या हो गया? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। अब भाई कितनी तेज चल रही है, ब्लॉक कैसे तोड़ पा रही है? तुम क्रिएटिव में हो? पहले तुम मान सकते हो कि मेरे पास भी क्रिएटिव है, बट तुमसे बड़ा है क्या मेरे पास? अब देखो तुमको दिखाता हूँ मैं कि हैकर का क्या अंजाम होता है। भाई कितनी तेज से चल रहा है, कहाँ भाग रहा है? वेट देख बेटा, तेरे को मैं पकड़ के रहूँगा। ये कहाँ भागे जा रहा है भाई? शिट, तो रुक बेटा आ रहा हूँ, घर के अंदर ही आ रहा हूँ। भाई कितनी हेल्थ है इसकी, मरे नीरा। शिट कहाँ चला गया? ओ ये पीछे पीछे पीछे, लेट्स गो तेरी, तो निकल बेटा। इसने नॉर्मल आर्मर पहन लिया, व्हाट? ओके आई गेस ये थोड़ा और पावरफुल आर्मर होगा। वेट बेटा कहाँ भागेगा भाई, कहाँ भाग रहा है ये बंदा? लेट्स गो, इसका हेलमेट फूटा। आई गेस भाई मेरे पास भी इसके वाली सॉर्ड है, क्योंकि उस बेस से भाई कुछ तो लेवल 255 की सॉर्ड मिली थी मेरे को। और भाई ये भी कंधा ही डैमेज दे रही है सॉर्ड, लेट्स गो। मेरे को तो कुछ डैमेज नहीं पड़ा क्योंकि मैं क्रिएटिव में हूँ। भाई इसका टूटे जा रही है चेस्ट प्लेट, टूट गई। लेट्स गो जल्दी, कहाँ भागेगा बेटा? आया ओ भाई कितने में मरेगा ये, कितनी हेल्थ है? शिट भाई भागा भागा बेटा, अगर इस सर्वर के अंदर एंड क्रिस्टल बैन नहीं होते ना तो तेरे को इतना मारता ना भाई, फोड़ देता तेरे को मैं। बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखो सॉर्ड और एक्से ही मार दूंगा मैं। बट भाई इसकी स्पीड इतनी है ना, तो ये भाई समझ ही नहीं आ रहा मेरे को कहाँ अटैक करना है, मेरे को कहाँ डिफेंड करना है। शिट भाई मर जा, इसको कितना मार रहा हूँ भाई, मर नहीं रहा। और वैसे भी इतनी पावरफुल सॉर्ड है, उससे ये इतनी जल्दी नहीं मर रहा। तो भाई भाई कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा? मेरे से बच के नहीं भाग सकता। लेट्स गो, टोटम पॉप हुआ इसका, टोटम दिखा इसके पास तेरी, तो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? वेट कहाँ गया? एक सेकेंड, वो नीचे था भाई, वेट नीचे आइए। ठीक है भागने की कोशिश कर रहा है भाई, गेस लेट्स गो, भाई इसको मरने वाला है। ठीक है लेट्स गो, मर गया भाई साहब, फाइनली गाइस मर चुका है हैकर, लेट्स गो। तो फाइनली उस हैकर के बच्चे का तो खेल खत्म कर दिया था, लेकिन अभी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना बाकी था। तो मैं वापस से उस प्लेयर के पास जाता हूँ। Yes. Let's go. तो मैं लेके आ चुका हूँ तुम्हारे लिए उस प्लेयर का हेड जिसने ये सब किया था और जो हैकिंग कर रहा था इस सर्वर के अंदर। इसका हेड दो, ये लो। Okay. तो यही है वो प्लेयर जिसने ये सब बेसिस तोड़े हैं। ओके तुम इसका हेड तो ले आए, और अब इसका हेड इस सर्वर में नहीं रहना चाहिए, इस तो बहुत इलीगल चीज है। ओ भाई लेट्स गो, तो ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। बट यस ये सब मैंने किया अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। ओके तो अब तुम जा सकते हो, और थैंक यू मेरा काम आसान करने के लिए।